9878740455। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने फेसबुक पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले शुभम लोनकर के 28 वर्षीय भाई प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। इन दोनों भाइयों ने मिलकर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था। धर्मराज कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि शिव कुमार अभी फरार है। एक और आरोपी रिशान अख्तर के ऊपर आरोप है कि उसने हत्याकांड में शामिल आरोपियों को किराए का कमरा दिलाने में मदद की थी। बाबा सिद्दीकी की गोलीबारी मामले में शामिल तीसरा हमलावर शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा अभी भी फरार है। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलावडे ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि तीनों हमलावर पेपर स्प्रे लेकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशांत सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। उनकी प्लानिंग बाबा सिद्दीकी पर पेपर स्प्रे छिड़कने के बाद उनकी हत्या करने की थी, लेकिन शिवा ने पहले ही फायरिंग कर दी। डीसीपी नलावड़े के मुताबिक गोली सिर्फ शिवा ने चलाई। धर्मराज कश्यप और गुरमेल उसके साथ मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो प्रमुख नेताओं सचिन कुर्मी और बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुंबई पुलिस के अनुसार एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में चौथे आरोपी मोहम्मद जिशान अख्तर की पहचान कर ली गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी पंजाब के नकोदर के शकरगांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक अख्तर को 2022 में जालंधर ग्रामीण पुलिस ने संगठित अपराध हत्या और डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया था। माना जाता है कि अख्तर बाहर से तीनों शूटरों को निर्देश दे रहा था। उसने शूटिंग के समय सिद्दीकी के स्थान के बारे में उन्हें जानकारी दी और उसने किराए की कमरों की व्यवस्था करने में भी मदद की। दो कथित शूटरों में से एक को अदालत ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। इस मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने तीसरी गिरफ्तारी की है। प्रवीण लोनकर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक प्रवीण लोनकर सुबू लोनकर का भाई है, जिसने फेसबुक पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस को एक और सफलता मिली है। मुंबई पुलिस ने पुणे से प्रवीण लोनकर को दबोचा। मुंबई में एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ दफन किया गया। इस केस में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कैमरा पर्सन सैयद मेरे के साथ मैं साजिश सौदागर।